इस एक खाद का यूज़ अगर आप अपने मॉस रोज़ यानी पोर्चुलाका में करते हैं तो आपका पौधा थोड़े ही टाइम में फूलों से भर जाएगा। ये खाद देने से अगर आपके पौधे में कलियां नहीं बन रही, प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो सब कुछ थोड़े टाइम में स्टार्ट हो जाएगी। ये क्या खाद है, ये होममेड फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है, इस वीडियो में हर कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वॉचिंग माय न्यू गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, मॉस रोज को आप कटिंग से भी इजीली लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी परमानेंट प्लांट होता है ये। अगर आपके पौधे की भी कलियां बनती तो हैं लेकिन खिलने से पहले सूख जाती हैं, तो आपको क्या केयर करना होगा। ये प्लांट फ्रेंड्स ऐसा प्लांट होता है कि इसको फुल डे की अच्छी सनलाइट चाहिए होती है। हम लोग समटाइम्स गलती क्या करते हैं कि अपने इस प्लांट को ग्रीन नेट के नीचे रख देते हैं, तो ग्रीन नेट से क्या होगा कि धूप छन के आती है। और ये प्लांट ऐसा प्लांट है कि इसमें आपको फुल डे की अच्छी सनलाइट देना होता है। ग्रीन नेट के नीचे अगर आप ये पौधे को रख रहे हैं तो प्लांट की ग्रोथ तो बहुत अच्छी होगी लेकिन उसमें कलियाँ और फूल का बनना कम हो जाता है। तो बस आप ये ध्यान रखिए कि इस पौधे को आपको बिल्कुल भी ग्रीन नेट के नीचे नहीं रखना है। एक चीज़ और, ये प्लांट की अगर वाटरिंग रिक्वायरमेंट की बात करूं फ्रेंड्स, तो इनकी वाटरिंग रिक्वायरमेंट ये है कि इस टाइम में आप डेली वाटरिंग करिए। अगर आप अपने पौधे की मिट्टी पोरस बनाइए और उसके बाद पोरस मिट्टी में बहुत अच्छे से ग्रो करता है, तो आप इस टाइम में अपने पौधे को, जो मई का मंथ चल रहा है, इसमें आप डेली वाटरिंग करेंगे। ये प्लांट बहुत हार्डी होता है, नर्सरी में आपको बहुत सस्ता मिल जाता है और इनफैक्ट 1 से 2 इंच की कटिंग से भी ये पौधा ईजिली ग्रो हो जाता है। तो आप इसको जब लगा रहे हैं तो वेलड्रेन सॉइल देंगे। मेरे बाकी सभी पौधे में कलियां बन रही हैं, फूल आ रहे हैं, लेकिन एक ये वाला जो मेरा पौधा है इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, ना तो इनकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है और ना ही इनमें कलियां बन रही। तो सबसे पहला काम मैं ये कर रही हूँ कि पौधे में जहाँ से भी नई ग्रोथ नहीं स्टार्ट हो रही, इस तरह से फूल स्पेंट हो गया था, तो उन स्पेंट फ्लावर्स को 1-1 इंच का इस तरह से पकड़ के कट कर दे रही हूँ। इसका फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ से प्लांट 1 के बजाय 2 ब्रांच निकालेगा, जो इनकी ग्रोथ रुकी हुई है वो प्लांट की ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी और नई नई ब्रांच पे ही पोर्चुलाका में भी कलियाँ बनती हैं। ये पौधे में फ्रेंड्स, बाकी मैंने सब में खाद दिया है जो मैं होममेड फर्टिलाइज़र देती हूँ, इस एक पौधे में मैंने वो खाद अभी तक फीड नहीं की हुई है, इस वजह से भी इसमें कलियाँ नहीं बन रही हैं। इंसेक्ट की बात करूँ फ्रेंड्स, तो इस पे वाइट चिपचिपा कीड़ा जो मिलीबग होता है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है। आपको अपने पौधे पर ज़रूर चेक करके उसको हटाते रहना होता है, वरना अगर वो लग गया तो हरे भरे पौधे को 2 से 3 दिन के अंदर एकदम बेजान कर देता है। दूसरा एक जो ज़रूरी काम हम लोग नहीं करते हैं वो ये है कि जो भी पौधे में एक बार फूल खिल के मुरझा जाते हैं तो हम लोग कभी भी स्पेंट फ्लावर्स की डेड हेडिंग नहीं करते, मतलब उनको अपने पौधे से अलग नहीं करते। मॉस रोज पे भी जब आप इस तरह से एक बार फूल खिल के मुरझा जाए और आप उनकी इस तरह से पिंचिंग कर देते हैं तो फिर लगातार पौधे में नई नई कलियाँ बनती रहती हैं। प्लांट जो है वो आपका, जहाँ से आप उसको कट करते हैं वहाँ से 2 या 3 ब्रांच निकालेगा और जितना ज़्यादा हेल्दी आपका प्लांट होगा उतना ज़्यादा आपके पौधे में फूल आएंगे। अब बात करती हूँ फ्रेंड्स कि इनकी कटिंग लगाना या फिर आपने अगर इनको गमले में लगाए तो बुशी कैसे कर सकते हैं। जो भी प्लांट की लेगी लेगी मतलब लंबी होती ब्रांचेज होती हैं, आप सिंपली उनको कट करिए। कट करने के बाद उनकी जो नीचे नीचे की लीव्स हैं उनको निकाल लीजिए और इस तरह से किसी टूल की हेल्प से आप एक होल करिए और उस होल में आप सिंपली इन कटिंग को प्लेस कर दीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि बहुत जल्दी ही आपका जो गमला है वो एकदम बुशी बन जाएगा। आप देख रहे हैं इन पौधों में गुड़ाई करने की बिल्कुल भी जगह नहीं होती, तो आपको ज़्यादातर इस तरह के पौधे में लिक्विड खाद का यूज़ करना होता है, क्योंकि लिक्विड खाद में कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप गुड़ाई करें ही, वो खाद ईजली आपके पूरे पौधे की जड़ों तक नीचे आसानी से पहुँच जाती है। तो आपको भी अगर पौधे को बुशी बनाना है तो इसी तरह से आप उनकी लंबी लंबी ब्रांचेस को कट करके और सिंपली आप उसी पॉट में होल करके उस होल में आप इन ब्रांचेस को शिफ्ट कर दीजिए, तो पौधा आपका घना हो जाएगा।
सनलाइट की बात हो गई, वाटरिंग की बात हो गई, इंसेक्ट की बात हो गई, अब बात करती हूँ आपसे फर्टिलाइजर। ये पौधा फ्रेंड्स थोड़ा सा हैवी फीडर प्लांट होता है, क्योंकि इसमें जो आपके फ्लावर्स खिलते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावर्स खिलते हैं, लेकिन इनको आप सॉलिड खाद हर 3 से 4 महीने के गैप पे ही देंगे। आप इनको लिक्विड खाद हर हफ्ते बदल बदल के आप लिक्विड खाद दे सकते हैं। अगर आपके पौधे में ये समस्या आ रही है कि कलियां तो बहुत बन रही हैं लेकिन वो बिना खिले गिर जा रही हैं, तो उसकी वजह होती है ओवर वाटरिंग, किसी इंसेक्ट का अटैक आपके पौधे पे, तो और आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। और खाद मैं बताऊँ, इस तरह की कंडीशन में आप 2 प्याज के छिलकों को पानी में भिगो के वो खाद देंगे तो पौधे में ये प्रॉब्लम आना ख़त्म हो जाएगी। इस वाले पौधे में फ्रेंड्स मैंने कोई खाद नहीं दिया था, तो इसलिए इसमें ये इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती है। इसमें हैवी क्वांटिटी में नाइट्रोजन होता है, ये प्लांट में नई नई ग्रोथ स्टार्ट करती है, उनकी जो पत्तियां हैं उनमें एक चमक आती है। तो ये खाद मैं 1 चम्मच सिर्फ इस पॉट में डालूंगी, क्योंकि बाकी के पॉट में मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग के साथ खाद को शेयर किया है। इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, 2 चम्मच के करीब मैं अपने इस 10 इंच का पॉट है मेरा, इस पॉट में डाल दूंगी। ये पौधे में आपको ये ज़रूर आप चेक करते रहिए, इसमें बहुत ज़्यादा आपकी समटाइम्स चींटियाँ या मिली बग ये सब बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो आप उनको रिमूव करते रहेंगे तो प्लांट आपका हेल्दी वे में ग्रो करता रहेगा। बाकी इनकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है, सनलाइट बहुत अच्छी आपको इनको देना है। अब बात करती हूँ कि आप अपने इस पौधे में ज़्यादा फूल के लिए कौन सी खाद दें जिससे प्लांट में लगातार फूल खिलते रहें। देखिए मेरे सभी पौधे में खूब अच्छे से कली बन रही है, ये होममेड फर्टिलाइज़र है जो हम लोग इस्तेमाल के बाद हमेशा फेंक देते हैं। ये है फ्रेंड्स चावल या फिर दाल, आप कुछ भी धोते हैं तो उसका जो पानी निकलता है हर 3 से 4 दिन के गैप पे भी आप दाल या चावल जो भी धो रहे हैं उसका जो पहला पानी निकलता है, मतलब जो पहली बार हम लोग वॉश करते हैं तो जो पानी निकलता है वो पानी आपको लेना है। इसमें हैवी क्वांटिटी में पोटेशियम, मतलब हैवी क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट होता है जो कि प्लांट की ग्रोथ को फास्ट करता है। देखिए मैंने इसको इस तरह से इस बॉटल में रख लिया है, अब मैं इसको शाम में बाकी के दूसरे पौधों में भी डाल दूंगी और अभी के लिए पोर्चुलाका में मैं इसको डालने वाली हूँ। कैसे देना है आपको, 1 कप के करीब आपने ये चावल वाला पानी ले लिया, इससे प्लांट में पत्तियों में चमक आएगी, प्लांट की ग्रोथ फास्ट होगी और पौधे में नई नई कलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी। दूसरा, इनको पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र में आप केले के छिलके का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये ज़रूर फीड कराइए। हर हफ्ते आप ये खाद दे सकते हैं और इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। 1 कप चावल वाला पानी, 1 कप केले के छिलके का पानी यानी बनाना पील वाटर। अब ये एक सॉलिड कंप्लीट खाद बन गई है। नाइट्रोजन के लिए मैंने टी लीफ पहले ही यूज़ किया है, इन 2 पॉट में मैंने थोड़े टाइम पहले डाला था इसलिए आज नहीं डाला, और इसके बाद इसमें 2 कप अब तक आपको सादा पानी मिला लेना। अभी मैं इसमें ऊपर से और वाटरिंग कर दूंगी क्योंकि ये कंटेनर बड़ा नहीं है। 2 कप आप जब इसमें सादा पानी मिलाते हैं और फिर आप ये खाद अपने पौधों में डालते हैं तो बिलीव मी आपके पौधे में फूल खिलना कम ही नहीं होगा, लगातार फूल आते रहेंगे, प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी और पौधे में किसी किस्म का कोई इंसेक्ट वगैरह भी जल्दी नहीं लगेगा। इस तरह से ये खाद दे दिया, अब बस आप इसको अच्छे से फुल डे की सनलाइट में रखिए। पौधे में लगातार नई ग्रोथ लेने के लिए कटिंग प्रूनिंग बहुत ज़रूरी, थोड़ा थोड़ा, देखिए उस टाइम में पानी कम था ना तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने ऊपर से पानी और ऐड कर दिया। जब भी आप इस तरह की लिक्विड खाद पौधे में डाल रहे हैं हमेशा ध्यान रखिएगा मिट्टी आपकी सूखी होना चाहिए, सूखी मिट्टी में ही आपको लिक्विड खाद देना है। देखिए मैंने इनको कटिंग से और भी बहुत सारी वेस्ट बॉटल्स में लगाया हुआ है जिनमें ये अच्छे से खिलने लगे हैं, सब में कलियां बन रही हैं, लगातार फूल खिल रहे हैं। तो इस तरह से आप भी अपने गार्डन में मॉस रोज पोर्चुलाका ज़रूर लगाइए और इतने खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर्स का लुत्फ लीजिए। तो बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लगी होगी, आप लोग के काम की होगी। अगर अच्छी लगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।